कुछ याद है। और आज की शाम आई है बहुत ही खास, और आज की शाम आई है बहुत ही खास, जो लेकर आई है हम सबको एक साथ लेकर। जैसे हर जीजा के लिए हर्षाली खास होती है, वैसे ही हर महफिल में ताली। यहाँ पे ये
जो फंक्शन आज इतना बड़ा आप लोग देख रहे हैं, इसमें सबसे ज्यादा जो किसी ने मेहनत की है वो हमारी बुआ जी है, विनीता श्रीवास्तव। इनकी बहुत मेहनत थी इसमें, इन्होंने अपनी कोई भी कसर छोड़ी नहीं है इसको यादगार बनाने में। आगे भी ये काम करती रहे। शादी के बताए हैं तो मैं जानना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ कि मेरे फूफा जी ने बुआ जी के बारे में क्या क्या जाना, बताइएगा। ग्रीन कलर है। फेवरेट सॉन्ग का कौन सा? कौन सी मूवी में है कुछ ऐसा? अच्छा कोई नहीं कोई नहीं, बताइए। फिलहाल जयपुर में एक साथ देखी थी पहली बार, उसके बाद लोगों ने थिएटर मूवी देखी नहीं आती। अच्छा ठीक है, बस आपने इतने दिन बिताए हैं उसमें, कई बार एक बार हमारे झगड़ा भी किया होगा, कभी ऐसा भी होगा कि वैसे तो कभी वो हारी नहीं होती मेरे हाथ में, लेकिन हम दोनों ही जीतते हैं हमेशा। मासूमियत भरा गुस्सा। बुआ की स्टोरी थी जो कैसे कहानी शुरू हुई थी, कैसे शादी को करने नमस्कार कुछ रहा आप जानते हैं कि मैं काफी खूबसूरत अपने सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। और अब मैं ये बताऊंगी आपको कि इनकी शादी कैसे हुई, फिर क्या क्या हुआ है ना, इंटरेस्टिंग है ना, क्या बता दूंगी। और हम दोनों जब पैदा हुए तब तक कैसे, मैं अपने नाना का नाम ले लूंगी, मामा और ताऊ जी का नाम लेके बोलूंगी, क्योंकि हम पुरानी बात कर रहे हैं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। नाना बोले, राजू हर चुटकी पर एक लड़का देखने जाता है। अब आप सोच सकते हैं किस लड़के की बात कर रही है, बताओ सब लोग जो चाहता है। नहीं नहीं नाना बोले, राजू आज एक लड़के पे लड़का देखने जाना, लड़के का नाम मेरे दिया गया, सॉरी ताऊ जी। बस उसके बारे में इतना ही जाना, सस्पेंस। नाना परेशान, अब घर मेहतिया के पहुंच जाते हैं, तब उनके पापा यह बतलाते हैं, सुनिए हमें तो अभी शादी करनी नहीं है, पर यह फरमाते हैं एक लड़का इसका है। अब बताइए कि किस लड़के की बात हो रही है? मौसा मौसा, सही जवाब। दादाजी के लिए कह रहे हैं कि इनका एक लड़का है, हमें तो अपने लड़के की शादी करनी नहीं है, मेरे छोटे भाई का एक लड़का है, देख लो पसंद आएगा। दाढ़ी बना रहे अपने छोटे भाई को बताते हैं, उसी समय बात आगे बढ़ाते हैं। कुछ ही दिनों बाद वह घर देखने आ जाते हैं और ये हमारी माता श्री का घर देखने गए। लड़का हमारा हीरो है, जो नहीं था ये हमारे पूज्य लिए बाबा श्री के शब्द थे, हमारे माना श्री के, उन्होंने सीधे सीधे कहा लड़का हमारा हीरो है, अगर लड़की आपको पसंद आ गई तो पीछे नहीं हटे, इसी लड़की से शादी करनी है। रमेश
अब दोनों तरफ से बात जम जम बैठ गई। वो आए, बात हुई, लड़की पसंद आई, पता था दीदी हाँ सोच रहा है। तारीख 18 मई 1997 सॉरी को श्यामनाथन में दिखाई तय हो जाती है। 18 मई को मेरी माँ की दिखाई हुई थी श्यामनाथन मंदिर में, जहाँ हम आज भी जाते हैं। अब दिखाई में लड़की पसंद आ जाती है, आनी दीदी बहुत सुंदर भी है, सही बात है। फिर क्या कहना, मम्मी हमारी मन को मन मुस्कुराती है। धीरे धीरे ये समय भी बीत जाता है और 10 मई आ जाती है। 10 मई को क्या हुआ, शादी शादी। अब जयमाल भी पड़ जाते हैं, अब एक दूसरे के दोनों पूरक बन जाते हैं। ये सुंदर जोड़ी देखकर सभी मन मन हर्षाते हैं। समय के पंख लगे और दिन भी ये आया, खुशखबरी सुनकर सबका चेहरा खिल जाता है। 27 नवंबर को हमारे आप कुछ कहना चाहेंगे अपने जन्मदिन? हम जहाँ आ जाते हैं सब कुछ अच्छे ही बने। समय अपने इंतजार कर लेता है और वह समय भी आ जाता है जब ये बाबू हंसी के रूप में एक परी को पाले और वो परी मैं हूँ। हाँ नाना के भूमिका इतनी सी है कि जब इनको का रिश्ता पापा मम्मी का रिश्ता तय हो रहा था है, तब पापा के दिमाग में क्या ख्याल चल रहे होंगे, कैसे बात कर रहा है, क्या देखा पहली बार मम्मी। तो कविता यहाँ से शुरू होती है, तुमको देखा था जब मैंने सर सुहा, क्या शुरुआत, होठों पे मुस्कान लिए चंचल हवा के झोंके से, मुस्कान लिए चंचल हवा के झोंके में, तुम हो या कोई परी गगन से उतरिए आई है, परी गगन से उतरिए आई है, दिल को मेरे जो ठहरा दे वो रूप रंग ये लाई है, दिल को मेरे जो ठहरा दे वो रूप रंग ये लाई है। मुस्कान अदर पे ऐसी है, मुस्कान अदर पर ऐसी है, जनता भी शर्मा जाए, मुस्कान अदर भी अदर पर ऐसी है, जनता भी शर्मा जाए, रूप रंग लिए देख तुम्हारा चांद जमीन पर आ जाए, चांद जमीन पर आ जाए, आंखों में जब आंखों में जैसे तुमने संसार बसाया है, आंखों में जैसे तुमने संसार बसाया है, सागर जैसे की आंखों में कैसे मुझको ठहराया है, प्रेम की बातों से इतना क्यों तुम शर्माती हो, प्रेम की बातों से इतना क्यों तुम शर्माती हो, आंखों पे सब कुछ कहती हो, आंखों से सब कुछ कहती हो, होठों पे कुछ ना लाती हो, कितनी अलग हो, कितनी अलग हो तुम दुनिया से, कितनी अलग हो तुम दुनिया से, कैसे मैं बतलाऊं तुमको, पावन हो तुम गंगा सी, ओ शीतल ओ शैल सुंदरी, ये कैसे मैं बतलाऊं, तुम पर लिखने में तो ये जग भी कम पड़ जाएगा, तुम पर लिखने में तो ये जग भी कम पड़ जाएगा, तुम हो एक सितारा जो जग को रोशन कर जाएगा, तुम्हारी इस मुस्कान पे दिल ये मेरा ठहरा है, तुम्हारी इस मुस्कान पे दिल ये मेरा ठहरा है, आऊं कैसे तुमसे मिलने घर वालों का पहरा, घर वालों का पहरा है, तुम्ही निकालो कोई रास्ता अब मुझसे मिलने का, तुम्ही निकालो अब रास्ता मुझसे मिलने का, अगर बैठ करनी हो बातें नदी किनारे में। संगीता बबली और
नौकरी जा रही। खाना खा ली? खाना खा चुकी। दिल की गहराइयों से आप लोगों को शादी की 25वीं सालगिरह की हार्दिक बधाई। इतने लंबे जीवन में आप लोगों ने सिर्फ मोहब्बत ही निभाई है। एक ही जिसके ऊपर हंसते मुस्कुराते वेडिंग एनिवर्सरी की सीट पर चुटकी है आई। हंसते मुस्कुराते वेडिंग एनिवर्सरी की सीट पर चुटकी है आई। आप लोगों को इस शुभ अवसर की बहुत बहुत बधाई। फूल और बराग आप लोगों का साथ है। फूल और बराग आप लोगों का साथ है। सुनहरा भरा हर दिन जुगनुओं वाली रात है। क्या कहते तोहफे में शादी की 25वीं सालगिरह पर, यादें हम तोहफे में शादी की 25वीं सालगिरह पर, आप दोनों एक दूजे के लिए हर दिन नई शुरुआत। मखमली हो सुबह शाम हो सिंदूरी, मखमली हो सुबह शाम हो सिंदूरी, 25 सालों से जिंदगी करती एक दूजे के लिए। शादी की सालगिरह पर है मेरी एक दुआ, शादी की सालगिरह पर है मेरी एक दुआ, हर हसरत हो पूरी हुई आरजू रहे नाजी। वाह 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 वाह, थैंक यू सो मच। मेरी तरफ से स्पेशली सीमा हुआ भैया, बहुत स्पेशल है, बहुत स्पेशली। अगर आप मुझे बाबा 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 मैं अगले चरण के सच में आपका भतीजा होना चाहता हूं। आज मैं यहां पे आए सभी मेहमानों का, सूरज श्रीवास्तव मेरे फूफा जी एंड संगीता श्रीवास्तव मेरी बुआ जी की तरफ से यहां आए सभी मेहमानों का स्वागत करती हूं। सभी छोटो बड़ो को मेरे नमस्ते। आपके सामने मैं दो लाइन कहना चाहती हूँ। हर शाम आती है कुछ याद लेकर, हर शाम जाती है कुछ याद लेकर, हर शाम आती है कुछ याद लेकर, हर शाम जाती है कुछ याद लेकर। आज हम सब यहाँ उपस्थित हुए भाई करो मैं बात मिल रहा हूँ हर शाम आती है कुछ याद लेकर, हर शाम जाती है कुछ याद लेकर। और आज की शाम आई है बहुत ही खास, और आज की शाम आई है बहुत ही खास, जो लेकर आई है हम सब को एक साथ लेकर। जैसे हर साली जैसे हर जीजा के लिए हर शाली खास होती है, वैसे ही हर महफिल में ताली। यहाँ पे ये जो फंक्शन आज इतना बड़ा आप लोग देख रहे हैं, इसमें सबसे ज्यादा जो किसी ने मेहनत की है वो हमारी बुआ जी है विनीता श्रीवास्तव। आगे भी ये काम करती रहे, अब 50वीं सालगिरह की तैयारी भी करें। अच्छा अच्छा, अब मैं मौसी मौसा के लिए कुछ खाना खा रही हूं, और बोलने वाली हूं कुछ शायरी से। खुशियों से भरी हुई जिंदगी पल भर तभी जुदाई, खुशियों से भरी हुई जिंदगी पल भर तभी जुदाई, दशकों बिताया साथ में रहकर एक दूजे की परछाई, दशकों बिताया साथ में रहकर एक दूजे की परछाई। दिल की गहराइयों से आप दोनों को शादी की 25वीं सालगिरह की हार्दिक बधाई। इतने लंबे जीवन में आप दोनों ने सिर्फ मोहब्बत ही निभाई, एक ही जिस्म के ऊपर अपनी हर धड़कन है लुटाई। हंसते मुस्कुराते वेडिंग एनिवर्सरी की सिल्वर जुबली है आई। हंसते मुस्कुराते वेडिंग एनिवर्सरी की सिल्वर जुबली है आई। आप दोनों को इस शुभ अवसर की बहुत बहुत बधाई।
क्या दें हम तोहफे में शादी की 25वीं सालगिरह पर, क्या दें हम तोहफे में शादी की 25वीं सालगिरह पर, आप दोनों एक दूसरे के लिए हर दिन नई शुरुआत है। मखमली हो सुबह शाम हो सिंदूरी, मखमली हो सुबह शाम हो सिंदूरी, 25 सालों से जिंदगी कर दी एक दूसरे के लिए पूरी। शादी की सालगिरह पर है तेरी एक दुआ, शादी की सालगिरह पर है तेरी एक दुआ, हर हसरत हो पूरी कोई आरजू रहे राजी। आप लोगों को एक मैं अपनी लिखी हुई कविता सुनाता हूँ। उसकी भूमिका इतनी सी है कि जब इन लोगों का रिश्ता, पापा मम्मी का रिश्ता तय हो रहा था, है तब पापा के दिमाग में क्या ख्याल चल रहे होंगे, कैसे बात करने के लिए क्या देखा पहली बार मम्मी के अंदर। तो कविता यहाँ से शुरू होती है कि तुमको देखा था जब मैंने सर्द सुबह में, पापा देखा था जब मैंने होठो पे मुस्कान लिए चंचल हवा के झोंके से, चंचल हवा के झोंके में तुम हो या कोई परी गगन से उतरिए आई है, परी गगन से उतरिए आई है, दिल को मेरे जो ठहरा दे वो रूप रंग ये लाई है, दिल को मेरे जो ठहरा दे वो रूप रंग ये लाई है, मुस्कान अधर पे ऐसी है, मुस्कान अधर पर ऐसी है चंदा भी शर्मा जाए, मुस्कान अधर पे अधर पर ऐसी है चंदा भी शर्मा जाए, रूप रंग ये देख तुम्हारा चांद जमीन पर आ जाए, तुम्हारा चांद जमीन पर आ जाए, आंखों में जब आंखों में जैसे तुमने संसार बसाया है, आंखों में जैसे तुमने संसार बसाया है, सागर जैसी आंखों में कैसे मुझको ठहराया है, प्रेम की बातों से इतना क्यों तुम शर्माती हो, प्रेम की बातों से इतना क्यों तुम शर्माती हो, आंखों में सब कुछ कहती हो, आंखों से सब कुछ कहती हो, फोटो पे कुछ ना लाती हो, कितनी अलग हो तुम दुनिया से, कितनी अलग हो तुम दुनिया से, कैसे मैं बतलाऊं तुमको, पावन हो तुम गंगा सी, हो शीतल हो शैल सुंदरी, ये कैसे मैं बतलाऊं तुमको, तुम पर लिखने में तो ये जग भी कम पड़ जाएगा, तुम पर लिखने में तो ये जग भी कम पड़ जाएगा, तुम हो एक सितारा जो जग को रोशन कर जाएगा, तुम्हारी इस मुस्कान पे दिल ये मेरा ठहरा है, तुम्हारी इस मुस्कान पे दिल ये मेरा ठहरा है, आऊं कैसे तुमसे मिलने घर वालों का पहरा है, घर वालों का पहरा है, तुम ही निकालो वही रास्ता अब उससे मिलने का, तुम ही निकालो अब रास्ता मुझसे मिलने का, अगर बैठ करनी हो बातें नदी किनारे में।